अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। और ये है इब्राहिम के अकीके का वीडियो, जो बहुत लेट हो चुका है। काफ़ी पुराना वीडियो है ये, 12 तारीख का वीडियो है। और यहाँ पर मिलाद चल रही थी तो मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिक किया। और ये है रूबी बाजी की बिटिया, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और सब बच्चे यहाँ पर बैठे थे। और हमदान को देखिए, हमदान ने फर्स्ट टाइम इस टाइप का ड्रेस पहना है, तो माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत ही सुंदर लग रहा था। और बहुत रोना आ रहा था उसको, पता नहीं गर्मी लग रही थी या पता नहीं क्या। तो फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो यहाँ का भी बना लिया था। यहाँ पर मिलाद चल रही है और बच्चे भी, अब बच्चे बोर हो रहे थे तो सब बच्चे अंदर रूम में मोबाइल चला रहे थे और कुछ ना कुछ सब लगे हैं अपने अपना। और ये दूसरे दिन, मतलब जिस दिन जमात खाने का खाना था उस दिन की मिठाई बन रही थी, उसकी तैयारी हो रही थी बाहर। वो ये बर्फ़ी थी, पता नहीं कौन सी मिठाई थी, पर बहुत अच्छी थी जो भी थी। इब्राहिम यहाँ पर लेटे हैं, इब्राहिम खेल रहे हैं। और इब्राहिम को सब बच्चों को देखकर सोच रहा होगा, पता नहीं कि अचानक से इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। बहुत सारे बच्चे थे उसके आसपास। खैर, वो तो बहुत छोटा है, इतना कुछ समझता नहीं होगा। और हमदान तो इतनी मस्ती कर रहा था। और यहाँ मिलाद बस ख़त्म होने ही वाली थी तो शरबत की तैयारी हो गई थी, शरबत तैयार था। अब गर्मी इतनी है तो चाय तो कोई पीता नहीं, तो शरबत बनाया था रसना। और यहाँ फातिया हो रही है, फिर उसके बाद सबको शरबत दिया था। बहुत ही इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मम्मी, सानिया, पापा, जिलानी, ये लोग भी आए थे, इन सबको भी अच्छा लगा। और ये दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग का वीडियो है, जमात खाने में जल्दी, मतलब बहुत जल्दी का टाइम था, सुबह सुबह खाना बन रहा था। तो मैं तो नहीं गई थी उस टाइम पर, जैनुल के डैडी गए थे। तो मैंने उनसे कहा था कि आप थोड़ा सा वीडियो मेरे लिए बना लेना, मैं व्लॉग में डालूंगी। तो उन्होंने ये वीडियो बनाया था जमात खाने में। यहाँ पर बना था गोश्त, मांडे और बकरे का गोश्त, चावल और मिठाई। तो माशाल्लाह खाना बहुत ही अच्छा बना था, बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा रहा। और बर्फ़ के, मतलब बर्फ़ के जो गोले होते हैं उसकी भी स्टॉल लगाई थी। बच्चों ने बहुत ही बर्फ़ के गोले खाए, इतना कि मतलब जितना तो इच्छा भर के खाए होंगे इतना तो उन्होंने कहीं भी नहीं खाया होगा। जैनुल ने भी बहुत बर्फ़ के गोले खाए, और बच्चों की छोड़ो, बड़ों ने भी, सब ने बहुत खाए, हमने भी खाए अच्छे से, सब ने खाए। और हम लोग ये जब खाना खा के फ्री हो गए थे तो हम लोग बैठे थे, बर्फ़ का गोला खा रहे थे। हम लोग यहाँ पर सब बैठे थे, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे और गर्मी बहुत लग रही थी। हमदान भी बहुत चिड़चिड़ कर रहा था, तो यहाँ पर कूलर लगा हुआ था, मैं कूलर के ही आगे बैठ गई थी। ये है रुखसार बाजी की देवरानी, इनकी भी बेटी का अकीका था, जो अभी दिखेगी वीडियो में, मैं आपको बताऊँगी। ये हैदर है, हैदर, और वो जिसका अकीका था इनाया, इब्राहिम और क्या नाम है उसका, हयात। तो तीन बच्चों का अकीका था। और यहाँ पर मैं बता रही थी, हैदर और हयात दोनों बैठे थे, ये सामने जो है ये लड़की, ये दोनों बच्चे ऐसा खेल रहे थे, बहुत ही मस्ती कर रहे थे और लड़ाई भी कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। तो हयात ने हैदर को धक्का मार दिया और गिर गया। मैं वो वीडियो बिल्कुल क्लिक नहीं कर पाई क्योंकि मैंने जल्दी से मोबाइल फेंका और हैदर को उठाया, और बहुत रो रहा था वो, उसके पीछे सर में लग गई थी, वो पीछे से एकदम से गिर गया था। और बच्चे बच्चे को कितनी मज़ा आ रही है, बच्चे पे हमला बोल दिया था। और तो सब बच्चे हमदान को तो मिल गए थे अपने मामू, हमदान परेशान कर रहा था तो फिर जिलानी उसको लेकर चला गया। और मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि मैंने काफ़ी हैवी ड्रेस पहनी हुई थी और मुझे बहुत ही गर्मी लग रही थी। तो मैं अपनी एक जगह से बिल्कुल नहीं हिली क्योंकि मुझे हमदान बहुत तंग कर रहा था।
तो मैंने सोचा कि मैं ही पर बैठे रहो अच्छे हवा के सामने, तो मैंने यहाँ बैठे बैठे ही इतना वीडियो बना लिया, उठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर खाना चल रहा था इस टाइम, तो काफ़ी भीड़ भड़का था। फिर मैंने बहुत देर बाद सोचा कि चलो थोड़ी सी व्लॉगिंग कर ले, थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोग मतलब जा चुके थे उसके बाद मैंने बनाया था, और सब लोग मेरा कैमरा देख कर एकदम से समझ जाते हैं कि व्लॉग बन रहा है बिल्कुल, सब एकदम से मतलब अलग ही एक्सप्रेशन देने लग जाते हैं। और ये सानिया और हमदान भी मस्ती कर रहे हैं, और मम्मी भी हवा के आगे है। तो काफ़ी अच्छा रहा सब सब मतलब सबके साथ एक। फिर बस यही, हम मतलब काफ़ी लेट हम लोग घर से भी यहाँ पर आ पाए थे, क्योंकि बच्चे घर में भी इतने सारे बच्चे थे, हैदर था, फिर वो छोटी गुड़ियाँ थी, हमदान और ऊपर चाची का जुबैर, सब बच्चे मिलकर इतना परेशान करते हैं, तो काम में बच्चों में बहुत टाइम हो जाता है, तो इसलिए हम घर से निकल ही नहीं पाए। और इतने सारे घर में भी मतलब थे हम लोग, तो सुबह उठना, नाश्ता करना, घर घर की साफ सफाई करना, फिर सबका नहाना, तैयार होना, तो हम लोग घर से ही बहुत लेट निकले थे। तो हम लोग यहाँ पर 12-1 बजे तक पहुँचे थे, फिर खाना खाया और फिर सब बैठे थे, सब बातें कर रहे थे, सब अपने अपने में लगे थे कुछ ना कुछ। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया, और सब कुछ अच्छा रहा, खाना भी अच्छा था और सभी अच्छा था। और गर्मी भी थी, मतलब इतनी भी गर्मी नहीं थी, ठीक थी। और सानिया तो कूलर के आगे ऐसे बैठी है कि बस बहुत अच्छी हवा आ रही है। और फिर यहाँ से हम लोग मतलब सब फ्री तो हो गए थे, फिर सोचा कि अब थोड़ी देर बैठते हैं, फिर रुखसारबा जी के घर चले जाएंगे। तो फिर सब बोले कि चलो अब लास्ट टाइम गोला खा लेते हैं, तो यहाँ पर गोला चल रहा है। और इनको बोला, ये वीडियो जैनुल के डैडी ने बनाया था, तो उन्होंने बोला कि ये व्लॉग बना रहा हूँ, यूट्यूब पे जाएगा वीडियो। तो ये लोग भी बिल्कुल अच्छे से वीडियो बना रहे थे, और यहाँ पर गोले वाले भैया गोला बना रहे हैं। और अब आप ये सुनना, जो ये बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे क्या जवाब देंगे। कितने खाए इरम, जल्दी बोल, कितने खाए? चार। मैंने छः। क्यों नहीं खाए? छः। दूसरा 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 कितने? तीन। जुनेद 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 कितने? एक लड्डू। हाँ, फिर वहाँ से फारिग हो गए थे और घर में आकर बैठे थे, बहुत थक गए थे, बस थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट लिया, बैठे बैठे ही थक गए थे, काम तो कुछ भी नहीं करा, ऐसे इतनी थकान हो गई थी कि जैसे पता नहीं कितना काम कर लिया हो। फिर वहाँ से जमात खाने से घर में आए थे, यहाँ पर सब बैठे, सब ने चेंज करा, हम लोग अपनी बिल्कुल लाइट ड्रेस घर में पहनने की हल्की फुल्की लेकर गए थे कि हैवी ड्रेस चेंज करके वहाँ पर हल्के कपड़े पहन लेंगे। तो हम लोग यहाँ चेंज करके बैठे, सब ने पानी पिया, फिर चाय बनाई सबके लिए, सब ने चाय पी और फिर ऑटो बुलाई और वापस हम रिटर्न घर आ गए थे। तो आज को मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हो, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।